अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वालों के लिए 2023 पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च कैसे हो सकते हैं। देखिए जी, ये जब जनवरी के महीने से लेकर आपको कारोबार में कोई कामयाबी मिल सकती है, अगर आप किसी नौकरी को हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे थे तो हो सकता है इस क्वार्टर में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। आपके अंदर मेहनत, हिम्मत और एक ये कह लें आप एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा गुस्सा जरूर आएगा क्योंकि आप ये कह लें क्योंकि ढैया भी चल रही होगी शनि की, वो थोड़ा सा गुस्सा, तनाव या कभी कभी कोई खिलाफ मंशा काम हो जाना यानी मर्जी के बर खिलाफ, और जिससे आपको थोड़ा सा दबाव महसूस हो, घबराइएगा नहीं, जज्बाती कदम कोई ना उठाइएगा। इधर एक होता है ना यार, जज्बात में भाड़ में जाया जाती है तो जाए ना, ये काम नहीं करना आपने, अक्लो फहम से काम लीजिएगा क्योंकि इस चक्कर में आप कोई अच्छी चीज को गंवा सकते हैं। अल्लाह के जो करम है उनको फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। और ये वो दौर होगा जहाँ पे आप पहले क्वार्टर में मजहबी काम, इंसानियत की फलाह बहबूद के कामों की तरफ आपका रुझान रहेगा और उसकी वजह से अल्लाह ताला आप पे करम भी बहुत करेगा। कहीं फाइनेंशियल गेन हो गया, कहीं फैमिली के अंदर कोई गुड न्यूज हो गई, ये अल्लाह ताला तो बड़ा करम करने वाला है, फौरन बदला देता है। और ये भी हो सकता है जिंदगी में कोई नए अच्छे काम का आगाज हो जाए, ये भी हो सकता है कि आपके लिए कोई अगर फंड्स का उसूल नहीं हो रहा था तो वो हो जाए। अच्छा, ये वो दौर होता है जहाँ पे फर्नीचर या लकड़ी से रिलेटेड जो चीजें होती है उनकी अशिया की खरीदारी पे आपके कुछ अखराजात होते हैं। और थोड़ा सा आपको गाड़ी चलाते हुए एहतियात करनी है, कोई एडवेंचर मत कीजिएगा, मतलब ऐसा ना हो कि वो एडवेंचर आपके लिए फिर कोई नुकसान का, जिस्मानी नुकसान का बाइस बन जाए, तो ये जरा सा आप ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बर्की अशिया जो है उनके मामले में बहुत एहतियात करिएगा। और खासतौर पर मैं स्कॉर्पियन लोगों को कहूंगा अपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, अपने घर की वायरिंग, इन चीजों का बड़ा ख्याल रखिएगा। ये वो दौर होता है जहाँ पे कुछ इन बाकी अशिया की वजह से कुछ फाइनेंशियल नुकसान हो जाना या अल्लाह ना करे कोई तकलीफ हो जाना। उसके बाद हमारा दूसरा क्वार्टर जो कि आपका अल्लाह भला करे अप्रैल, मई, जून, हाँ इन 3 महीनों में यहाँ पे आपकी थोड़ी सी इनकम में वक्ती तौर पे कोई रुकावट प्रॉब्लम आ सकता है, मगर ये सब वक्ती होगा। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे वो चीजें फिर बेहतर हो जाएंगी। और आपके लिए जराए आमदनी में किसी ना किसी तौर पर कुछ ना कुछ बेहतरी के इम्कान पैदा होते रहेंगे। यहाँ आपकी हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात, हाई प्रोफाइल डिग्नेटरी से कोई फायदा होना, ये चीज हो सकती है। गाड़ी या बाइक, वट एवर, जो भी अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल एंड अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी, जो भी चीज के ऊपर आप तब्दीली करना चाह रहे हैं वो हो सकती है। पार्टनरशिप के मामले में यहाँ थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा कि अल्लाह ना करे कोई पार्टनर आपको दिखा कुछ रहा है, यानी हैं का वाकिफ कुछ नजर आते हैं कुछ, वो वाली चीज ना हो, वरना अल्लाह ना करे धोखा हो सकता है। यहाँ आपके दुश्मन या एनिमी या कॉम्पिटिटर, हरीफ, सियासी हरीफ या कारोबारी हरीफ, यहाँ आपको वो कोई ना कोई स्कैंडलाइज करने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मुझे लगता है कि आप सफर तो करेंगे लेकिन उसके नतीजे वो नहीं आएंगे जो आपने तवक्को रखी हुई होगी। हो सकता है अगर आपने 100 की तवक्को रखी हो तो आपको 60% या 50% यानी 65% इस तरह का तनासुब रहेगा, लेकिन ये है कि काम में कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर हो जाएगी। और मेंटली टेंस रहेंगे आप, गुस्सा आएगा आपको बहुत, और मगर दूसरी तरफ आपके प्रोफाइल में, आपके ताल्लुकात में अल्लाह ताला बेहतरी के असबाब पैदा करता रहेगा मेरा रब, और आपको उनसे कोई फायदा भी हो सकता है। यहाँ पे आपको अपनी औलाद की सेहत का बड़ा ख्याल रखना होगा, और यहाँ है तो अच्छी बात नहीं लेकिन इल्म के तकाजे निभाने पड़ते हैं। अपने रिश्तेदारों पर या अपने अजीजों पर अगर आप भरोसा करेंगे फाइनेंशियल मामला में तो शायद धोखा या नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहेगा, तो यहाँ पे अलर्ट रहिएगा, किसी पे जरूरत से ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा। और ये वो चीज होती है कि वो जैसे कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, कुछ इस किस्म की कैफियत ना हो जाए, या वो जो शेर की जबान में कहते हैं, समझे जब मैं किसी चीज को एम्फसाइज कर रहा हूँ, गुरूर जिनके खलूस पे था मुझको करम नहीं का है शामिल मेरे बिटाने में, यहाँ वो लोग जिन पे आप तवक्को रख रहे थे उनसे कोई नुकसान ना पहुंचे अल्लाह ना करे। तो यहाँ तमाम चीजों को मैं इसलिए एलिब्रेट करके बता रहा हूँ आपको ताकि आप लोगों को भरपूर मालूमात मिल जाए। अब मैं चलता हूँ स्कॉर्पियो वालों के तीसरे क्वार्टर की तरफ जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर है। यहाँ पर बुल काम जो सेकेंड क्वार्टर में अटक गए थे अब यहाँ पे कुछ बेहतरी होने लगेगी, चीजें आपकी तवक्को के हिसाब से मूव करने लगेंगी, कुछ फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है आपको। और अगर कारोबार में कोई जिद्दत, कोई नयापन, कोई नई चीज का आगाज करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको फायदा होगा।
अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो आपको आपकी मुलाजमत में कोई तरक्की के, कोई प्रमोशन के, कोई रिकॉग्निशन मिलने के इम्कान बनेंगे और जिंदगी कुछ इस तरह करवट लेगी कि बज़ाहिर कुछ ना होते हुए अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी की सूरतें पैदा कर देगा। आपकी इज्जत में, आपके रुतबे में अल्लाह की तरफ से बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। मगर यहाँ पे आपने अपनी आइज का ये पोर्शन जो है, ये फोरहेड से लेके और यहाँ तक का, ये इसका ख्याल रखिएगा। यहाँ कोई तकलीफ हो सकती है, हो सकता है कोई गेंटी का प्रॉब्लम हो जाए, आइज का प्रॉब्लम हो जाए, या यहाँ पे दर्द, चोट, इन चीज़ों के इम्कान। और आपको ये कह रहे हैं कि अपनी हिमाकत या अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी फाइनेंस के ऊपर कोई ऐसा रिस्क ना लीजिएगा जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल नुकसान हो जाए, और आपको थोड़ा सा अपने कामों पे तवज्जो देने पड़ेगी। मसलन मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने एक बिरयानी का सेंटर खोला भाई, आपने एक जूस कॉर्नर खोला भाई, आपने एक हार्डवेयर की दुकान खोली है, तो आप ये समझ रहे हैं कि आपके मुलाजमीन जो काम कर रहे हैं, जिसको आपने माँ अपना हेड बनाया भाई, उस पर भरोसा ना रखिएगा। आप खुद इन्वॉल्व होइएगा ताकि आपके कारोबार में कोई अंदर का बंदा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना कर सके। और जितना आपने अपने काम पे तवज्जो दी, उतनी तेजी से चीजें आपके हक में बेहतर होंगी। और घर में कुछ शादी ब्याह के मामलात, कुछ खुशी की तकरीबात मुनक्किद होने का भी इम्कान है, और उस पर आप वो अखराजात जिनसे आपको खुशी हो, जिस्मानी रूहानी, वो होने के इम्कान है। कहीं कहीं आपको ये फिक्र भी लाहक रहेगा, यार मुझे हेल्थ के हवाले से मैंने बड़ी कोताही की, बड़ी लापरवाही की, तो आई शुड टेक केयर। ये सोच आएगी और वो सोच सही आएगी, खासतौर पर अपने यूरिनल सिस्टम का, अपने ब्लड प्रेशर का, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अब मैं आ जाता हूँ स्कॉर्पियो वालों का चौथा क्वार्टर, जो कि शुरू होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपके लिए यहाँ थोड़े से आसमान पे कुछ योग ऐसे बनेंगे कि मंगल केतु की वजह चले, वो तो आपको समझाना बेकार है, मतलब कुछ ऐसे योग बनेंगे कि आपको जरा सा अपने कामों में या अपनी चीजों में प्रॉब्लम महसूस होगी। अच्छा, यहाँ पर आपको स्टमक गैस्ट्रो प्रॉब्लम या आइज के प्रॉब्लम या आंतों का प्रॉब्लम, ये होने का इम्कान है। ये आखिरी क्वार्टर जो होगा, इसमें जरा मिजाज में तेजी आएगी, तो आपने कोई जज्बाती काम नहीं करना, जज्बाती फैसला नहीं करना, जज्बाती काम अलग कह दिया। अगर आपने अपने जज्बात के बजाय दिमाग से काम लिया, तो इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत हद तक आपके बेहतर आएंगे। एजुकेशन के हवाले से भी आपको बेहतरी मिलेगी, और ये ज़रूर है कोई जिस्म से ब्लीड करने का या ब्लीडिंग होने का इम्कान है, और कुछ मेडिकेशन पे, तिबी मामला पे आपके अखराजात भी नज़र आते हैं। मगर साथ साथ आमदनी का भी हुसूल होता रहेगा, थोड़ा सा घरेलू मसाइल पैदा होंगे, लेकिन अल्लाह ताला करम करेगा, चीज़ें आपकी तरफ की कोशिशों से बेहतर हो जाएंगी। और चाहे कैसे ही हालात बने, लेकिन आपको फाइनेंशियल इंशाल्लाह ताला यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएंगे, कि जैसे कहते हैं ना कि यार मोहताजगी अल्लाह ना करे आ जाए, या इंसान को मुफलिसी का डर रहा है, ऐसी चीज़ तो इंशाल्लाह नहीं होगी। फाइनेंशियली अपना पाइपलाइन में पानी चलता रहेगा, लेकिन आपको बस अपने फैसलों में, अपनी चीज़ों में ख्याल रखना होगा। और यहाँ हो सकता है आपके कुछ केसेस में जो कोर्ट में पड़े हुए हों, उनमें कुछ बेहतरी आ सकती है, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फ़ायदा हो सकता है, आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके लिए एक सपोर्टिव एलिमेंट बन जाए। ये भी इम्कान है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसे ज़राए पैदा हो जाएं कि जो बहुत अरसे से आपकी दरीना ख्वाहिशों के, मैं ये करना चाह रहा था, मैं ऐसा करूं, उसके सबब पैदा होने लगे। और यहाँ पे आपने अपने आप को बड़ा अलग थलग करके चलाना है, यानी आपको कोई कुर्ता तीर, कोई फजूल कामों में नहीं घुसना। अगर मुख्तसरन मैं ये कह लूँ तो ज़िंदगी का 2023 का साल ऐसा होगा जहाँ पर लाइफ में आपके कुछ बेहतरी, कुछ नई चीज़ों का हुसूल, कुछ कामयाबियाँ मिल जाएंगी। मगर यहाँ अपने हेल्थ के पोर्शन का, अपने यानी सेहत के मामले में बड़े ख़ास ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।